दृश्य होता है सामने, सिर्फ सूर्यास्त और सूर्योदय पीछे से दिख रहा होता है. सो गुड टू सी यू गाइस, माय नेम इज अभिनव और मैं शाम का शो होस्ट करता हूँ मिर्ची 98.3 पे 5 से 9 विद अर्जित. सो इट्स द अर्जित अभिनव शो. और आज यहाँ पे सिर्फ इंटरेक्शन के लिए आप लोगों के साथ में आया हूँ और कुछ ऐसा कुछ दिमाग में प्रिपेयर नहीं है कि मैं क्या आपको बताने वाला हूँ ऑनेस्टली. लेकिन आई स्टार्ट विद माई एक्सपीरियंस ऑफ रेडियो एंड कैसे वो शुरू हुआ था. सो रेडियो में मैं एज ए लिसनर, मैंने सबको सुना है. जब रौनक भाई शाम को शो करते थे तब भी मैं रेडियो सुना करता था. और एज ए लिसनर आई हैव ग्रोन माई सेल्फ. सो बहुत सारे प्राइजेस जीतता था, बहुत सारे कॉन्टेस्ट में पार्ट लेता था. तो उस मारे रेडियो स्टेशन जब मैंने देखा तो मुझे बहुत मजा आया. और मुझे तो आइडिया नहीं था कि क्या होता है रेडियो. थिएटर ऑफ माइंड एक रेडियो का चीट वर्ड है जिसको, जो रेडियो को इन शॉर्ट डिफाइन कर देता है. तो ये थिएटर ऑफ माइंड यही है कि आपको सामने कोई दिखता नहीं है. और ये प्लस पॉइंट भी है और थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी माना जाता है रेडियो का. तो एज ए लिसनर मैं प्राइज जीतता था, मैंने देखा यार रेडियो स्टेशन कितना कूल है, आरजेस कितने कूल हैं और क्या ये मैं कर सकता हूँ. तो आई स्टार्टेड इट. तो मैं बहुत तरीके की आवाजें निकालता था, जैसे अभी पपेट आरजे ग्रोवर सर निकाल रहे थे. तो ऐसे ही मैं भी बहुत सारी आवाजें निकालता था स्कूल में टीचरों की और घर में पड़ोसियों की. तो बॉलीवुड की आवाजें मैं देखता था. तो मेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस स्कूल में मैंने फेयरवेल में दी थी. उससे पहले मैं कभी स्टेज पे नहीं चढ़ा था. तब तक रेडियो में मैं सिर्फ प्राइजेस जीतता था. सो आई स्टार्टेड विद मिमिक्री. सो मैं बहुत सारी आवाजें करता था. हाय दिस इज फरहान अख्तर और इस बागड़बड़ी जिंदगी में रिवाइटल की जगह एक एमवे भी है तो वो भी लिया करो. नारा मेरी लॉन्ड्री का. सो ये आवाजें करता था. अक्षय कुमार की मैं करता था. हाय दिस इज अक्षय कुमार. हाय तभी से क्या हो गया, डांट क्यों रहे हो, आराम से भाई. यो निकर ओए ताश. हाँ अभी 2 मिनट दो. शाहजहां ने प्यार में ताजमहल बनवा दिया, हम बीवी के लिए संटास ना बना सके. सो या और एक और आवाज करता था मैं. आप गेस करिए कौन सी. ये आवाज किसकी भाई, मैं चुप हूं मैं. अब निकाल ले तो. अरे मेरे प्यारे भाइयों बहनों. सो या ऐसे मैं मतलब बहुत सारी छेड़खानी करता रहता हूँ. और मेरे पापा बहुत बड़े साइंटिस्ट थे. हाँ कोई मिल गया जादू ही मैं. सो ऐसे ही सफर शुरू हुआ. मैं बहुत सारी आवाजें निकालता था. मुझे, मैं रेडियो स्टेशन कॉल करता था. मुझे आरजेस लोग तब ना क्या होता था, तो आरजेस क्या करते थे कि मेरे को बोलते थे कि तू कॉल कर और कुछ मिमिक्री कर. तो ऐसे मेरा कांटेक्ट बन गया था. सो वो मुझे कॉल करके बोलते थे कि आज कुछ इसका बर्थडे है तो कुछ कर दे कॉल पे. सो मैं वो बन जाता था, गिरगिट रोशन बन गया. और ऐसे रेडियो में फिर अपनी आवाज़ सुनता था, बड़ा मजा आता था. सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. इंजीनियरिंग की, मैंने इंजीनियरिंग का एक बेस्ट पार्ट होता है कि वो जॉब नहीं लगती. सो ये बहुत फायदा है इंजीनियरिंग का. और मेरे लिए तो यही फायदा था, मेरी जॉब नहीं लगी तो अब मैं क्या करूं. मैंने फेसबुक पे पोस्ट देखा कि एक कम्युनिटी रेडियो में मौका है काम करने का. आई स्टार्टेड विद अ कम्युनिटी रेडियो जो कि यूएस में ब्रॉडकास्ट होता है फॉर इंडियंस. तो वो मैं नोएडा में बैठ के यूएस जा रहा था. नोएडा सेक्टर 1 गड्ढे हैं, यूएस में सुन रहे. तो वहाँ पे मैंने शुरुआत करी रेडियो प्रोग्राम में, अपने रिकॉर्ड करता था वहाँ पे और फिर वो ब्रॉडकास्ट होते थे. फिर करते करते मैंने सारे स्टेशन में इंटर्नशिप शुरू कर दी. आरजे हंट जीते ऑनलाइन ऑफलाइन, हारा भी. तो मैंने रेड एफएम में को छोड़ के मैंने आई थिंक सारे स्टेशन में इंटर्नशिप किए. और मेरे दोस्त मैंने रेडियो से, फिर मुझे पता लगा कि रेडियो मिर्ची में वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेशन में खाली वैकेंसी निकली. मेरे को पता नहीं था होगा क्योंकि मैं आरजे हंट हार गया था. 1000 बंदों में मैं सिलेक्ट हुआ था और फिर मैं टॉप 100 में नहीं पहुंचा था. तो That's how I entered. फिर मैंने
स्क्रिप्टिंग करी, वहां पे पसंद आ गई एंड करते 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 सो आई स्टार्टेड विद द इवनिंग शो. या दैट वाज माय जर्नी इन अ बिट शॉर्टर वे. नाउ आई विल हैंड ओवर द माइक टू द लेजेंड. आपको मिला है